तो रास्ता बंद है, राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं? नो लकी कॉइन, हेड्स राइट टेल्स लेफ्ट। तो बात बोझू, ये जंगल से निकलने का रास्ता किधर है? ओ दादा, जानवरों की खाल की तस्करी करने वाला ये सुब्बा कल रात भी बच गया हमसे। उसका लक अच्छा है जो हर बार बच जाता है, इस बार छोड़ूंगा नहीं। बुम कामुरे साला, कब तक लक साथ देता है देखता हूं मैं भी। हेलो, आवाज आ रहा कि नहीं? हेलो, हाँ बिजोय साहब के लिए डिनर बना के रखो। हेलो हेलो हेलो, मां कसम ये भी खराब हो गया साला। सर, इसके आधे घंटे नहीं जाते सर। क्यों? सर यार स्कोंदो काटा रहता है। कौन रहता है? स्कोंदो काटा। अब वो क्या होता है? स्कोंदो काटा ऐसा भूत जिसका सिर नहीं होता है सर। शर्मा, व्हाट नॉनसेंस। सर ये मैं नहीं बोलता हूँ, यहाँ के लोग बोलते हैं सर। स्कोंदो काटा ऐसे लोगों का भूत होता है सर जिसकी मौत सिर कटने से होती है, और वे अपने सिर को खोजते रहते हैं। जहाँ एक्सीडेंट हुआ उसी के आसपास घूमते रहते हैं। और तो और सर, वहाँ आने जाने वाले लोगों पर हमला करके उसकी भी मुंडी काट डालते हैं सर। और ये कहानी में आप विश्वास रखते हैं? हाँ सर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, यहाँ के लोग बोलते हैं। जी जी सर। और सर इनका सिर नहीं होता है सर, तो इन्हें कुछ खास दिखता नहीं है। इन्हें हम उल्लू भी बना सकते हैं। शर्मा, इस वक्त उल्लू तुम लग रहे हो। सर ये मैं नहीं बोलता हूँ, इधर के लोग बोलते हैं सर। उससे बचने के सिर्फ दो ही उपाय है, या तो हम उन्हें किसी का सिर ऑफर करें, या फिर ट्रेन। ट्रेन से डरता है सर वो। सर स्कोंदो काटा उसी ट्रेन के नीचे कट के मरा है सर। अब आपकी ये फालतू की बकवास खत्म हो गई हो तो जिस काम से आए हैं वो कर लें। चलिए। हाँ सर, यू टर्न। सर ओके सर, सर यूटर्न यूटर्न मारिए ना। चुप। ये बाइक तो सुबह का है ना? यस सर।
ये देखो जानवरों की खाल। लेकिन सर वो बैग छोड़ के भागा कहाँ होगा? ये तो पता लगाना पड़ेगा। ये आवाज कहाँ से आई? मुझे लगता है वो यहीं कहीं छुपा है। आज छोड़ूंगा नहीं इसे। शर्मा। यस सर। मैं जंगल में जा रहा हूँ उसे पकड़ने, तुम यहीं रुको और अगर कहीं वो यहाँ पे। डोंट वरी सर, वो अगर मुझे यहाँ मिलता है तो मैं उसे दबोच लूंगा, छोड़ूंगा नहीं सर। गुड, आप संभाल के जाइए सर। ठीक है, कोई बात हो तो वॉकी टॉकी पे बोलो। यस सर। हाँ सर, वाह बोलो। ऑल ओके सर? हाँ ऑल ओके। थोड़ा आगे जाके देखना पड़ेगा, किसी का घर दिखाई दे रहा है। रेलवे गार्ड का घर होगा सर। आप संभाल के जाइएगा। ओके सर। हाँ हाँ सर, थोड़ा सावधान रहिएगा, सोनू का तभी यही कहीं रहता है। हाँ शर्मा, ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट, थैंक यू सर। शर्मा कमिन, शर्मा कमिन, शर्मा, बिजॉय दिस साइड। बिजॉय कॉलिंग, शर्मा, शर्मा आवाज आ रही है मेरी?
शर्मा जवाब दो। शर्मा कमें, शर्मा विजय दिस साइड। शर्मा मेरी आवाज आ रही है, बोलो शर्मा। तो सुबह छोड़ूंगा नहीं तुझे। साहब कितना दिन हुआ मुझे खोजते खोजते साहब? पूरा एक दिन हो गया है साहब। दो दिन से मैं यहाँ छुपा बैठा हूँ साहब, वहां से भागते भागते उस रास्ते पे जहाँ पहुंचा था। सुना था मैंने स्कंदों का तावे बारे में, पर कभी देखा नहीं था साहब। साहब क्या साहब 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 लगा रखा है? उसको देखते साहब मेरा हालत जान हालत तक आ गई थी साहब। फिर ट्रेन की आवाज सुन के कुछ चकरा गया वो साहब। उसी बीच अपनी जान बचाते बचाते मैं यहाँ आके छुप गया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था साहब ये उसी स्कंदोगाता का घर है साहब। ए तू पागल हो गया है? कोई स्कंदोगाता नहीं है, ये एक साइको किलर है जो अपने सर के ऊपर जूट का कपड़ा लेकर घूम रहा है ताकि तू जैसे लोगों को पागल बना सके, डरा सके। साहब मैंने देखा उसे, मैंने देखा अपनी आंखों से साहब, सर नहीं उसका। हे बापेरार मोर्तो, ये तेरे अंदर का डर बोल रहा है, वो एक साइको किलर है जिसे मैं आज पकड़ कर रहूंगा। हाँ, उसके बाद तुझे भी जेल में डालूंगा, तू देख। नहीं साहब, नहीं साहब, साहब अनुग्रह करिए साहब, मेरी बात सुनो साहब, साहब। मुझे भी मरवाओगे, गोली से नहीं मरता साहब, वो पहले से मरा हुआ है। दिखाई नहीं देता, पर सुनाई सब देता साहब, और खास करके डर से कांपते दिल की धड़कन साहब।
अच्छा यही था आपका साथ। शर्मा मर गया। शर्मा देखा साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा था साहब, मुझे इस भूत के हाथों नहीं बंधे साहब। मैं भी मरना नहीं चाहता हूँ, मेरे घर पे मेरी बीवी मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहे हैं। कोई रास्ता तो होगा यहाँ से निकलने का। साहब मैं भी काफी समय से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हर बार वो सामने आता था साहब, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तुमने कहा था ना कि वो देख नहीं सकता। हाँ हाँ साहब। तो फिर तो निकलना आसान होना चाहिए ना साहब। कोई रास्ता आगे पीछे इधर उधर कुछ तो होगा। साहब पीछे दरवाजा और खिड़की है, पर वो खुल नहीं सकता, हमें सामने से निकलना पड़ेगा साहब। पर सामने से वो निकलने दे तब ना साहब, मैं बड़े मुश्किलों से अभी तक बचा हूं साहब। साहब मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं साहब, पर इस भूत के हाथों नहीं बनना चाहता साहब। साहब आप तो फॉरेस्ट ऑफिसर हो साहब, आप ही कुछ कीजिए अब साहब, प्लीज। बड़े होके आप ही की तरह पुलिस ऑफिसर बनना है। अरे बेटा पापा पुलिस ऑफिसर थोड़ी ना है, फॉरेस्ट ऑफिसर है। जानवरों और पेड़ों की जान बचाकर जंगल की रखवाली करते हैं पापा। पर जान बचाना भी तो एक सुपर हीरो वाला काम है। मेरे को तो बड़े होके पापा की तरह ही बनना है। ये प्यारी प्यारी बातें आपको सिखाता कौन है? Thank you.
सुबह 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 साहब, हमारा सिर तो सही जगह पे, मरे क्यों नहीं साहब? और ऐसे कोने में क्यों पड़े साहब? पता नहीं मुझे कहां के फंस गए हम। साहब मैं ऐसा मरना नहीं चाहता साहब। मरना तो मैं भी नहीं चाहता हूँ, पता नहीं कहां के फंस गया हूं। अभी अभी सामने पोस्टिंग हुई है और मेरे घर में मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। भूतों की कहानियों पे कभी कभी विश्वास नहीं किया और आज वही कहानियां सच हो रही हैं। मेरा एक बेटा है जो मुझे सुपर हीरो समझता है, बड़े होके मेरी तरह बनना चाहता है। उसे प्रॉमिस करके आया हूं कि वापस आऊंगा, इसीलिए मैं जिंदा वापस जाऊंगा और तुझे भी कुछ नहीं होने दूंगा। साहब आपने बाहर भी बचा और यहां भी बचाने की बात कर रहे साहब, बहुत शर्मिंदा हो साहब। पर साहब इस बार बचा लो साहब, कसम से मैं बाहर जाते ही सब छोड़ दूंगा साहब, सब छोड़ दूंगा साहब। साहब सुब्बा नाम नहीं है मेरा, सुभाषिस है, सुभाषिस बोर ठाकुर। बचपन से बहुत पैसे कमाने थे साहब, अमीर बनना था पर जल्दी, इसलिए शॉर्टकट अपना है साहब। जानवर का खाल नहीं बेचना चाहता था मैं साहब, पर कुछ रास्ता भी नहीं था साहब। साहब महाकसम साहब, एक भी जानवर को खुद से नहीं मारा साहब, और हाँ पैसों के लिए खाल जरूर बेचा साहब। साहब मुझे पता है मैंने बहुत पाप किए जिंदगी में और उन सब की सजा मिल रही है आज मुझे। बहुत बड़ी भूल करती सर, बाबा की बात सुन लेनी चाहिए थी। सुभाषिस क्या है? मैं पूछता हूं चल क्या रहा है, कहां रहते हो पूरे दिन? देखो तुम्हें मालूम है मैं पूरे दिन मेहनत करके तुम्हारे कॉलेज के फीस के पैसे जमा कर पा रहा हूं, और बाबा तुम हो कि बस। बाबा मुझे और पढ़ाई नहीं करना है और ना ही इस गरीब घर में रहना है, मुझे ढेर सारे पैसे कमाने हैं और जल्दी अमीर बनना है। अरे बेवकूफ, कॉलेज करेगा ना तो अच्छी नौकरी मिलेगी तुझे, ये बात अपने भेजे में बिठा ले। अरे बाबा मुझे अब ये सब नहीं करना है, मुझे बिजनेस करना है और यहाँ से निकलना है बस। बिजनेस? ये मेरा लक्की सिक्का है, मुझे मेरे बाबा ने दिया था, ये ले। मुझसे इतना ही होगा, कर बिजनेस। देखिएगा बाबा, इसी सिक्के से बिजनेस शुरू करूंगा और तभी लौटूंगा। कुछ नहीं कर पाए साहब, बस एक चोर बन के रह गया। बाबा सही कहते थे, ये सिक्का उन्होंने दिया, मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूं, ये बाबा की निशानी है। साहब मैं मना नहीं चाहता साहब, मुझे एक बार बाबा से मिला दो साहब। सुबह घबरा मत, हम यहां से निकलेंगे और सही सलामत निकलेंगे, तो फिक्र मत कर। कैसे साहब, स्कंदोकता से बचना नामुमकिन है साहब। उससे बचने के दो उपाय हैं, या तो हम उन्हें किसी का सिर ऑफर करें या फिर ट्रेन। ट्रेन से डरता है सर वो। शर्मा की अगर भूतों वाली कहानी सच थी तो उसकी बाकी बातें भी सच ही होंगी। एक रास्ता है। कोई रास्ता नहीं है साहब, सब अपना के देख लिया मैंने। मैं कह रहा हूं कि एक रास्ता है, हमें बस किसी भी तरह उस रेलवे ट्रैक तक पहुंचना है। Thank you.
से अभी फटाफट एक मिनट रुक, मैं भी आता हूं। साहब नहीं, साहब साहब ऊपर एक लड़की रो रही है, उसके सर पर भी जूट का बैग है और हमारी तरह से बंदी बनाया गया है, उसे छुड़ाना होगा। ये साहब अभी यहाँ से निकलते हैं, अभी अपना जान बचाने का टाइम है साहब। दूसरों की जान बचाना मेरी ड्यूटी है, मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगा। तुम मेरा साथ दे रहे हो या नहीं? साहब अभी हीरो बनने का टाइम नहीं है। हीरो नहीं बन रहा हूं, ये मेरी ड्यूटी है। ये तुम रुकना चाहते हो रुक सकते हो, नहीं तो जा सकते हो। ठीक है साहब, एक काम करते हैं, टॉस करते हैं। हेड जाए तो मैं रुकूंगा, टेल जाए तो मैं निकल जाऊंगा। सुभाषिस, तुम्हारा नाम की? ए लड़की, पहनी है क्या? चल चल जल्दी चल, तेरी जान बचाने हम। ए चल जल्दी चल,
सर जल्दी चल। साहब ये मुझे मार डालेगी साहब, ये लड़की नहीं है साहब, इसको तो पता है साहब, मुझे बचा लो साहब। साहब चल चल हिम्मत कर साहब, मुझे बचा लो साहब, मैं मारना नहीं चाहता साहब। साहब कुछ करो प्लीज, कुछ करो, कुछ करो साहब। साहब ये लड़की मार डालेगी साहब, बचा लो साहब, कुछ करो साहब। चल चल सुबह, चल 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 आजा आजा, ध्यान ध्यान से चल 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 आजा सुबह, उठ साहब, नहीं हो साहब, नहीं हो, उठ उठ बस, चल 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 सुबह आजा आजा जल्दी आ चल। नहीं साहब, हार नहीं हो पाएगा साहब, साहब कुछ नहीं होगा सुबह, हम नहीं रुक सकते, हमें रेलवे ट्रैक पर जाना होगा, चल चल कुछ नहीं हो पाएगा। अरे हिम्मत कर, होगा, चल। साहब आपने मेरी इस बार भी जान बचाई, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा साहब, पर मैं आगे नहीं जा सकता सर, मुझसे नहीं हो पाएगा। सुबह सुबह हिम्मत कर, ठीक है, देख हम यहाँ तक आए ना, आगे भी जाएंगे, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुझे, अब चल चल आजा सुबह, चल चल हमें चल 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 जल्दी चल साहब, चल चल आ। आजा सुबह, बस आ गए, पहुंच गए, चल नहीं नहीं सुबह चल सुबह, नहीं सर सुबह उठो उठो सुबह, चल चल बस सामने रेलवे ट्रैक है सुबह, चल आजा आजा उठो, मुझसे नहीं होगा साहब, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा सुबह, चल साहब रेलवे ट्रैक बहुत दूर है, आप अपनी जान बचाओ साहब, आप जाओ, हिम्मत कर, कुछ नहीं होगा, आजा आजा चल उठ साहब, उठ, नहीं होगा साहब, मुझसे नहीं हो पाएगा। सुबह देख तेरे बाबा तेरा इंतजार कर रहे हैं ना सुबह, चल उठ उठ प्लीज, चल साहब हम इतनी दूर तक आ चुके हैं सुबह, बस यहीं तक जाना है, चल सुबह साहब आप जाओ। कॉलेज करेगा ना तो अच्छी नौकरी मिलेगी तुझे। अरे बाबा मुझे अब ये सब नहीं करना है, मुझे बिजनेस करना है। ये मेरा लक्की सिक्का है, मुझे मेरे बाबा ने दिया था, ये ले। साहब मेरे बाबा को ये सिक्का दे दो। सुबह ये सिक्का तू बाबा को खुद देगा। नहीं साहब आप देंगे, और कहना उनसे कि उनका बेटा बहुत प्यार करता उनसे। साहब आप चल जाओ साहब, आप जाओ अपनी जान बचाओ साहब, तो ऐसे मरूंगा साहब, आप अपनी जान बचाओ। सुबह देख सुबह वो आ गया, सुबह चल साहब आप जाओ, नहीं साहब आप जाओ। उससे बचने के दो उपाय हैं, या तो हम उन्हें किसी का सिर ऑफ करें, कल सुबह हम निकल जाएंगे यहाँ। साहब अपनी जान बचाओ साहब, भाग जाओ।
साहब आप भाग जाओ साहब।